जय भीम, मैं शालिनी आनंद बीसीएनसी न्यूज से। झांसी के अशोक नगर में भारी बारिश होने से गरीब बस्ती के कच्चे मकान गिर गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग पन्नी और तिरपाल तानकर रहने को मजबूर हैं। वहां पे आसपास पानी भर जाने से वहां के लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा अपडेट के लिए जानते हैं जिला ब्यूरो चंद्र प्रकाश से, जिन्होंने वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों की समस्याएँ सुनी और आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। पूरे मोहल्ला वासी परेशान है और रहने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास, और भुखमरी की कगार पर है। मेहनत मजदूरी भी नहीं लग रही है बारिश के कारण। इस पर वजह से क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बबलू। कैसे गिरा जी? सर बहुत कुछ हो रही है, पूरे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है और पानी निकलने की रास्ता नहीं। मोहल्ले में कई घर गिर चुके हैं। कितने मकान गिर चुके हैं? समथिंग सर 25-30 मकान गिर चुके हैं। अच्छा, यहाँ कोई फिर जांच करने आया नहीं? सर कोई जांच करने नहीं आया, लोग आते हैं और चले जाते हैं। इसका कोई हम लोगों को लाभ ही नहीं मिलता है। राजस्व विभाग से आया कोई? सर अभी ये तो नहीं पता, कुछ लोग आते हैं मतलब देख चेक कर जाते हैं और हम लोगों को कुछ पता नहीं है, पैसे अभी तक आते नहीं है। यहाँ देखा जाए कि ये दलित बस्ती है और हर गांव-गांव में ये पड़ताल चल रही है निकपालों के द्वारा कि जिसका मकान गिर चुका है उन्हें आर्थिक सरकार के द्वारा आर्थिक मदद मिल सके, लेकिन यहाँ कोई ना तो सरकार देखती है ना ही नगर पंचायत के कोई कर्मचारी आते हैं। यहाँ की देखा जाए तो यहाँ लोगों की काफ़ी गंभीर समस्या है और यहाँ देखा जाए उनका मकान काफ़ी गिर चुका है। तो जो किया जाता है सर, तिरपाल चढ़ाए, तिरपाल पे बैठे, पूरा मकान गिर गया चौतरफी से, बस तिरपाल लगी, तिरपाल पे अपने गुजारो कर रहे हैं। बच्चा पे बैठा है, कब गिर गया मकान? बारिश में गिर गया, आज 8 दिन से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। रात के हैं तो पानी गिर रहा, दिन के हैं तो परेशान हो रहे हैं। को ना मेहनत मजूरी बच्चा कर पा रहा है, ना आदमी कर पा रहा। हमें औरतें तो हम करें कि अपने घर में रोटी गुजारो कर रहे, वो एक टाइम सब्जी एक टाइम नहीं है, परेशान है सर, क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। रोड भी नहीं डाला, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी सड़क में, कोई रोड भी नहीं डाला है। यहाँ पे कच्ची सड़क निकालने में परेशानी।